हम जा तो रहे हैं, आसानी से वो लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अरे तो क्या हुआ, यहाँ तक की लड़ाई लड़ी है ना हमने, आगे भी लड़ेंगे। मैं अंदर से सामान लेके आती हूँ। मैं देखता हूँ। आप? नमस्कार, सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक में आपका स्वागत है। मनोहर और उमा एक साधारण मध्यम वर्गीय नवविवाहित जोड़ा। जहाँ एक आम नवविवाहित जोड़ा अपना घर बसाने और सुखद भविष्य के सपने देखता है, वहीं मनोहर और उमा अपना बसा बसाया घर छोड़कर जा रहे थे। आखिर किससे भाग रहे थे ये दोनों? उस दिन कौन आया था उनके घर जिसे देखकर मनोहर के होश उड़ गए थे? किसने चलाई थी गोली? डर और हादसे के बीच वक्त जैसे रुक गया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था मनोहर और उमा की जिंदगी में कि उनका सुख चैन सब छिन गया था? यहाँ भी कहीं नहीं दिखता है काका, लगता है गांव छोड़ के निकल गया है। भाग कर जाएंगे कहाँ दोनों? पाताल में भी छुपेंगे तो खोद कर निकालेंगे दोनों को। हम बाप की पगड़ी पे थूक कर गया है, अब तो उसके खून से ही धुलेगा ये धब्बा। चलो। भाई जी, गलत किए हो, एकदम गलत किए हो। तुम्हें पता है कल से कितनी बार तुम्हारे बाबूजी का फोन आ गया हमारे पास? भाई जी, सही गलत का हमें पता नहीं, लेकिन उस वक्त हमारे पास वही एक रास्ता था। अरे एक बार तुम हमसे कहे होते, हम बात करते तुम्हारे बाबूजी से। खैर छोड़ो, कम से कम हमारी याद तो आई है। बहू कहाँ है? बाहर है। उमा, पहुंचो। संस्कारी है। बहू, अब बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अब तुम भाई जी के शरण में आ गई। हाँ भाई जी, यही सोच के तो हम आपके पास आए, अब हमारी जिंदगी आपके हाथों में। बदना, पूरा वाला कमरा ठीक कर दे। आशे मनोहर और बहू वही रहेंगे। हमारे साथ
जाओ आराम कर। कोई चीज की जरूरत हो तो शर्माना नहीं बहु। जी भाई जी। फौज से रिटायर्ड सूबेदार धर्मपाल सिंह उर्फ भाई जी, इनका रुआब मेरठ और मेरठ के आसपास के इलाकों में काफी था। लोगों के मन में इनके प्रति आदर भी था और डर भी। मनोहर का परिवार भी उन्हें काफी मानता था, और जब मनोहर का परिवार मनोहर और उमा के खिलाफ हो गया तब भाई जी उनके लिए एक फरिश्ता बनकर आए। उन्होंने ना सिर्फ मनोहर और उमा को अपने घर में पनाह दी बल्कि मनोहर के लिए एक नौकरी की व्यवस्था भी कर दी। समय पे खाना खा लेना, मैंने तुम्हारी मनपसंद सब्जी और चावल भी रखे हैं, ठीक है? कर लूंगा मैं सब। और जल्दी आना। ये तुम्हारे लिए। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? और किसी चीज की अगर जरूरत पड़े ना तो मदना को बोल देना। पक्का ख्याल रखोगे ना? जल्दी आना। ठीक है, चलता हूँ। मनोहर तो पूरी तरह से निश्चिंत हो गया था, लेकिन उमा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आखिर भाई जी जैसे बड़े आदमी का सहारा मिलने के बाद भी किस बात का डर सता रहा था उमा को? आखिर ये किसकी निगाह थी जो उमा को बेचैन कर रही थी? क्या सच में कोई उस पर नजर रख रहा था, या फिर अनजान शहर में अनजाने लोगों के बीच रहने से वो किसी वहम की शिकार हो गई थी? उसने कई बार चाहा कि मनोहर से इस बात का जिक्र करे, लेकिन कहती भी क्या, उसने तो किसी को देखा तक नहीं था। कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहा, और फिर एक दिन राम राम बीबी जी। राम राम। कहिए। मुझे भाई जी ने आपका ख्याल रखने के लिए बोला है, कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? जी नहीं, सब ठीक है। मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ लाना है आपके लिए? नहीं, अभी तो सब कुछ है। तो मैं फिर चलूं? राम राम। अरे बीबी जी, मुझे शायद बाजार से आने में थोड़ा वक्त लगेगा, और भाई जी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर हो सके तो एक बार अगर आप देख लेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। ठीक है, चलता हूँ। कौन? जी उमा। बहू, अरे उधर क्यों खड़ी, आ जा यहाँ आओ। जी वो मदना ने कहा कि आपकी तबीयत खराब है। हाँ, खास नहीं, वो जरा घुटने में दर्द हो रहा था। अब मदना होता तो कहता उससे पाँव दबाने के लिए, लेकिन वो निकम्मा तो बहाने ढूंढता है घर से भागने के। अब मदना ने कहा कि उसे लौटते हुए समय हो जाएगा, तो मैं तब आ दूं? तुम? अच्छा, अब तुम आ ही गई हो तो दबा दो। Thank you.
ये यहाँ पे, यहाँ ऊपर घुटने पे, इधर अरे बड़े नाजुक हैं तेरे हाथ है? पार्क ही है हमारा लौंडा। इन्हीं हाथों से मनोहर के पांव में दबाती हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? शर्मा क्यों रही है? तारीफ भी तो कर रहे हैं तेरी। आज हमारे पास आ। वो मुझे काम है, मैं जाती हूँ। तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? किसके ऊपर लांछन लगा रही है पता है तुझे? मनोहर, मेरी बात का यकीन कर। जिस तरह से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और जिस तरह से वो मुझसे बात कर रहे थे ना। पर हाथ पकड़ लिया तो क्या हो गया? वो तेरे पिता समान है, पिता से भी बढ़कर है। लाड से हाथ पकड़ लिया तो इसका मतलब तू ये निकालेगी? मैं एक औरत हूँ, इतना समझ आता है हर औरत को। उन्होंने जिस तरह से मेरा हाथ पकड़ा था ना, वो पिता की तरह नहीं था। बस कर उमा, बस कर। अब मैं उस देवता समान इंसान के खिलाफ एक शब्द सुनने वाला नहीं हूँ। तू भूल रही है, जब हमारे माता पिता हमारे खून के प्यासे थे ना, तब इसी देवता समान इंसान ने हमारी मदद की थी। हमें अपने घर में पनाह दी, मुझे नौकरी दिलवाई। तू सारे एहसान भूल गई? अरे तुझे उनका एहसान मानना चाहिए ना कि उनके ऊपर इतना गिरा हुआ इल्जाम लगाना चाहिए। वो तो शुक्र है कि उनके कानों तक ये बात पहुंची नहीं, नहीं तो उनके ऊपर क्या गुजरती, तुझे अंदाजा भी है? मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि कुछ मत कह बस। कब तक बचेगी छोरी? उमा, ये क्या हालत बना रखा है तुमने? उमा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए नहीं है। उमा कुछ बोल रहे हैं हम तुमसे। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ, कल की बात पे तो। अरे उमा, ये तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं। देखो, हम जानते हैं कि नई जगह है, नए लोग हैं यहाँ पे, और तुम अकेली भी तो रहती हो यहाँ पे। क्या सोच रही हो उमा? कुछ बोलोगी? देखो, तुम कुछ बोलोगी नहीं तो हम समझेंगे कैसे? फूजी, आज सुबह ना। हाँ, सुबह क्या? उमा देखो, डरने की जरूरत नहीं है, बोलो ना क्या हुआ। हमेशा इतनी डरी डरी क्यों रहती है तू हमसे? अरे भाई, इतनी भयानक शक्ल तो नहीं है हमारी? मुझे जाने दीजिए। देखिए, आप ये ठीक नहीं कर रहे। अच्छा, हम ठीक नहीं कर रहे? अरे इतना तो किया तेरे लिए, अरे को मकान दिया, तेरे आदमी को नौकरी दिलवाई, तुम दोनों की जान बचाई, इसके बदले में तूने हमें क्या दिया? कुछ भी तो नहीं दिया। नहीं, ये ठीक नहीं किया तूने। तो हक बनता है। भगवान के लिए ऐसी बातें मत कीजिए, नहीं तो मैं मनोहर को सब कुछ बता दूंगी। मनोहर को? भाई, हम सोचे कि कल शाम को तुम उसे कुछ बताने वाली थी।
तो बताया ही नहीं, का है? डर गई क्या? देख मनोहर तेरा पति है लेकिन हमें बाप की तरह मानता है, वो मानेगा तेरी बात? तो जोर जबरदस्ती तो कर नहीं रहे तेरे साथ, तू अब तक ना बोली तो उससे तो यही लगता है कि अंदर से तू भी यही चाहती है। काहे सता रही है हमें, काहे सता रही? शर्म नहीं आती आपको अपनी बेटी की उम्र क्यों मैं? अरे लेकिन बेटी तो नहीं है ना, ऐसे नहीं मानेगी तू। अरे तुझे हम चुटकी के अंदर बर्बाद कर देंगे, समझे? एक फोन करने की देर है पंचायत, बस उन दोनों के खिलाफ फैसला लिया है पंचायत ने, राम नाम सत्य हो जाएगा। अरे एक बात मत भूल, तेरी और मनोहर की सांसें हमारी वजह से चल रही है क्योंकि तुम लोग मेरी शरण में हो भाई जी की। हाँ छोरी सुन, छोरियों के साथ जबरदस्ती करने की आदत नहीं है मेरी, एक दिन तो खुद अपनी मर्जी से आएगी। आना ही होगा तुझे। पिताजी यहाँ? राम राम ठाकुर। राम राम भाई जी। उमा जल्दी से खिड़की बंद कर। अरे बाबू जी हैं साथ में, चाचा जी भी। क्या कहूँ भाई जी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मनोहर ऐसा कपूत निकलेगा। एक बार मेरे हाथ लग जाए दोनों को उड़ा दूंगा, तब जाकर कहीं पंचों के सामने फिर से सर उठाकर बात कर सकूंगा। वो सब तो ठीक है ठाकुर, लेकिन हमें लगता है कि गुस्से के अंदर आप लोग बौखला गए। जरा सोचो ठाकुर, अरे अगर लौंडा लौंडी घर वालों से बगावत करके घर से भागे तो क्या घर के आसपास भटकते रहेंगे? अरे वो लोग जाएंगे किसी बड़े शहर दिल्ली मुंबई, जहाँ पे कि वो सोचे कि हम महफूज हैं। हाँ आप ठीक कह रहे हैं भाई जी, अभी घर लौट जाते हैं, कल सवेरे तड़के ही निकलेंगे ढूंढने उसे। राम राम। राम राम। चलो आपने बचा लिया भाई जी हमें, हमारा जीवन उधार रहेगा भाई जी आप पर, आपका ये एहसान कैसे चुकाएंगे हम? अगले इतना काहे घबरा रहा है रे, बच्चा है तू हमारा, ऐसे थोड़ी ना आचाने देंगे तुझ पर और बहू पे। हैं जा जाके आराम कर ले। और आ, आ, ये घुटने का दर्द भाई जी मैं दबा दूं? तो खुदा दिन भर का थका हुआ आया अभी, जा तू जाके आराम। अब ये बहू है ये ही दबा दे। क्यों बहू? उमा भाई जी के पांव दबा दो, आओ ना। पांव दबाओ ना, बहुत तकलीफ में है। अच्छा भाई जी हम चलते। हाँ बेटा तू आराम कर। अब इतनी दूर क्या खड़ी है, ये आ जा बैठ। अरे अच्छा तो किससे शिकायत करने वाली थी तू हमारी? बेवकूफ मनोहर से। सुना नहीं क्या कह के गया वो? तुम दोनों का जीवन हम पे उधार रहा।
अरे एक बात और, मनोहर का बाप यूं ही घूमते फिरते आ गया यहाँ पे। हमने बुलाया तुझे दिखाने के लिए कि हम जब चाहे तुम दोनों की खटिया खड़ी कर सकते। एक बात और ध्यान से सुन ले, एक हफ्ता देते हैं तुझे, अपने आप को हमारे हवाले कर दे, खुशी खुशी चलिए हमारे पास, नहीं तो इस बेवकूफ मनोहर को तो कुछ दिनों के लिए बाहर भेज देंगे, इसकी चिंता ना कर, लेकिन सिर्फ एक हफ्ता। बेहद भयानक कश्मकश से गुजर रही थी उमा। एक पलड़े में उसका आत्मसम्मान था और दूसरे पलड़े में उसका पति और खुद उसकी अपनी जान। भाईजी के रुआब के चलते उनके डर की बदौलत उसे किसी से मदद तो दूर, सहानुभूति तक मिलने की उम्मीद नहीं थी। और वो औरों से क्या उम्मीद करती जब उसका अपना पति ही उस पर यकीन करने को तैयार नहीं था और भक्षक बन चुके इस रक्षक के इरादे नहीं भांप पा रहा था। एक बार अपने आप को उमा की जगह रखकर देखिए, आत्मा सिहर उठेगी। इसी दहशत में भाईजी की दी हुई एक हफ्ते की मियाद खत्म होने को आई थी। अब उमा के पास क्या रास्ता बचा था? अरे वाह उमा, इतने सारे पकवान। अरे आज कोई त्योहार तो नहीं है? नहीं, त्योहार तो नहीं है, लेकिन एक खुशखबरी जरूर है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? खुशखबरी ये है कि अब हम दो नहीं रहे। दो नहीं रहे? कौन आने वाला? ओहो हो, क्या बात कर रही हो? पक्की बात है? अपनी पड़ोस वाली रमा भाभी है ना, उनके साथ आज अस्पताल गई थी। उनकी बहन डॉक्टर है ना सिटी अस्पताल में, उन्होंने जांच की और बताया, कहा अभी तो सब ठीक है लेकिन समय समय पर जांच करानी होगी। फिलहाल एक परेशानी है। परेशानी? कैसी परेशानी? वो डॉक्टर कह रही थी कि अस्पताल घर से बहुत दूर है, कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो अस्पताल पहुंचने में बहुत वक्त लग जाएगा, तो इसलिए अगर अस्पताल के आसपास ही हम कोई घर ले लें तो अच्छा होगा ना। मतलब घर बदलना पड़ेगा? वैसे भी ऐसे वक्त पे औरतों का आसपास होना बहुत जरूरी होता है, और इस घर में तो सब मर्द ही हैं, और रमा भाभी भी हमेशा साथ नहीं रह सकती ना, उनके भी बच्चे हैं। हाँ उमा, बात तुम्हारी सही है, घर तो बदलना ही पड़ेगा। खैर तुम परेशान मत हो, ये सारा बंदोबस्त मैं कर लूंगा, बस तुम खुश रहो और अपना ख्याल रखो। अरे उमा, एक खुशखबरी मुझे भी देनी है तुम्हें। क्या? पहले मुंह तो खोलो। वो भाई जी है ना, लखनऊ में कोई बहुत मोटे ऑर्डर का बंदोबस्त किया मेरे लिए। उमा अगर ये मिल गया ना तो बहुत मोटी कमीशन हाथ लगने वाली है। इस बेवकूफ मनोहर को तो कुछ दिनों के लिए बाहर भेज देंगे। तुम लखनऊ जाओगे? अरे बस दो तीन दिनों के लिए, समझो यू गया यू आया। भाई जी मुंह मीठा कीजिए। अरे भाई किस बात के लिए? वो उमा पेट से है ना, ये खबर देने के लिए सबसे पहले आपके पास आया मैं, आपका आशीर्वाद लेने। अरे जी खुश कर दिया तूने ये खुशखबरी सुना के। अरे भाई हमने तो शादी की नहीं, अब तेरी वजह से इस घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। लेकिन भाई जी उमा की डॉक्टर कह रही थी कि ऐसे मौके पे बार बार अस्पताल जाने की जरूरत पड़ेगा, और हमारा घर अस्पताल से काफी दूर है, इसलिए 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 हमने एक छोटा सा कमरा सिटी हॉस्पिटल के पास ले लिया। भाई जी अब हमें पता है कि ये बात सुन के आपको काफी दुख पहुंचा होगा। अरे नहीं, दिमाग खराब है क्या तेरा?
अरे इस वक्त बहू के और उसके पेट में पलने वाले बच्चे की सेहत से बढ़कर और कुछ नहीं। अच्छा किया तूने जो कमरा ले ली। अरे अगर मुझसे कही होती तो अस्पताल के पास कोई बड़ी जगह दिलवा देते। अरे नहीं नहीं भाई जी, वैसे ही आपके काफी एहसान है हम पर। आपने ये बात कह दी, दिल से सारा बोझ उतर गया। अरे कहीं भी रहे मनोहर, लेकिन हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। कब जाने की सोच रहा है? लखनऊ जाने से पहले। हमने यही सोचा था। ठीक है ठीक है, कहीं भी रहो खुश रहो, लेकिन एक बात याद रखना कि भाई जी हमेशा तेरे साथ है। अच्छा भाई जी चलते। उमा ने किसी तरह भाई जी के कैद खाने से बच निकलने की तरकीब तो ढूंढ ली, लेकिन उसकी चिंता अभी दूर नहीं हुई थी, उल्टे उसका डर और बढ़ गया था। उसे लगा था घर छोड़कर जाने की बात सुनकर भाई जी नाराज होंगे, उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे, किसी भी तरह मनोहर को बहला फुसला कर इसी घर में बांधे रखेंगे। लेकिन भाई जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, उल्टे बड़ी आसानी से उन्हें जाने दिए। और भाई जी के चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट इस बात की तस्दीक कर रही थी कि उसके दिमाग में जरूर कोई साजिश चल रही थी। आखिर क्या चल रहा था इस खतरनाक आदमी के दिमाग में? अच्छा सुनो, अपना ख्याल रखना ठीक है, और हमने शांति मौसी का नंबर ले लिया है, वो तेरी खबर लेती रहेगी और हम भी फोन करते रहेंगे, और टाइम पे जांच जरूर करवा लेना। अच्छा बाबा बस करो, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी, लेकिन जल्दी वापस आना। हाँ पक्का, ठीक है चलो। नमस्ते जी। छुरी रुक, अरे रुक, अरे अरे अरे, मैं जानता हूँ कि तू दरवाजे पे पीठ लगा के खड़ी है, कब तक खेलेगी ये चूहे बिल्ली का खेल? देख मेरे एक हफ्ते का बोला था तुझे, मैंने तो अपना वादा निभाया, तूने तो तोड़ दिया छोरी। एक ना एक दिन तो तुझे मेरे पास आना ही होगा, कब तक बचेगी ये? एक पल के लिए उमा को लगा कि वो भाई जी के शिकंजे से बच निकली है, लेकिन अब जाकर उसे एहसास हुआ कि भाई जी का घर छोड़ने में और भाई जी से पीछा छुड़ाने में बहुत अंतर है। उमा मानसिक रूप से इस कदर परेशान हो चुकी थी कि अब उसकी घर से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं होती थी, ऊपर से मनोहर भी शहर में नहीं था। अब भाई जी की बदनीयती से बचने के लिए उमा ने खुद को अपने ही घर में कैद कर लिया। जरा सोचिए किस कदर लाचार महसूस कर रही होगी एक औरत अपने ही घर में, डर और अंधेरे में घिरी, दिन रात घुट घुट कर जीते हुए। पहले दिन तो वो बच गई जब त्यागी और भाई जी दरवाजे पर ताला देखकर वापस लौट गए, लेकिन आखिर इस तरह से उमा कब तक भाई जी की आंखों में धूल झोंक सकती थी? हेलो मासी, हम मनोहर बोल रहे हैं, जरा उमा से बात करवाइएगा। कहा बताए बेटा, जब से तुम गए हो तब से ताला लगा हुआ है, रहती ही नहीं घर पे वो। क्या बोल रही है मौसी आप? अच्छा अच्छा ठीक है, हम आ रहे हैं जल्दी। कहाँ गई होगी, कहीं उमा को कुछ? उमा के दुखों का कोई अंत होता नजर नहीं आ रहा था। एक तरफ तो भाई जी का खतरा दिन रात उसके सर पर मंडरा रहा था, और अब एक गलत फहमी की वजह से उसका पति मनोहर खुद उसी पर शक करने लगा था। लेकिन अफसोस, दोहरी मुश्किल में घिरी उमा का इंतजार अभी एक और मुसीबत कर रही थी। भाई जी कहाँ चले जाती है रोजी, समझ में नहीं आ रहा कुछ। समझी थी,
अपने आप को घर में बंद करके महफूज हो जाएगी। रात को मैं आऊंगा और तुझे इस कैद खाने से छुड़ा के ले जाऊंगा। और हाँ, एक बात और सुन ले, भागने की कोशिश ना करियो, मेरे आदमी भारी खड़े रहेंगे जब तक कि मैं नहीं आ जाता। चल। मौसी, उमा की कुछ खबर? अरे बेटा, फोन पे भी तो बताया था ना, वो घर पर रहती ही नहीं। अस्पताल तो नहीं गई होगी वो? तबीयत ठीक रहती है ना उसकी? अच्छा ठीक है, हम देख के आते। मैडम, उमा ठाकुर है क्या यहाँ पे? जस्ट अ मिनट, मैं एक बार चेक करके बताती हूँ। आई एम सॉरी सर, इस नाम पे यहाँ पे कोई भी पेशेंट नहीं है। ये देखिए आप। जी नहीं, क्या आप बता सकते हैं कि कौन से डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे? स्वाति वाजपेयी। सॉरी सर, इस नाम पे कोई भी डॉक्टर हमारे यहाँ पे नहीं है, लगता है किसी गलत हॉस्पिटल में आ गए। उन्होंने जांच की और बताया, कहा अभी तो सब ठीक है लेकिन समय समय पर जांच करानी होगी। वो डॉक्टर कह रही थी कि अस्पताल घर से बहुत दूर है, इसलिए अगर अस्पताल के आस पास ही हम कोई घर ले लें तो अच्छा होगा ना। इतना बड़ा झूठ। उमा, चुप, बिल्कुल चुप। अगर एक शब्द और बोला ना गला घोट देंगे तेरा। क्या खेल खेल रही तू हमारे साथ? मुझे छोड़ो मेरी बात। तुझे जो बोलना सोच समझ के बोलना उमा, हमें सब पता चल चुका है। ना तो तू पेट से है और ना ही कोई डॉक्टर है जिसके पास तू जाती है जांच करवाने के लिए। अब बोल, कहाँ जाती है रोज रोज तू? किसके घर में परी रहती है रात रात भर? ए उमा, देख तुझसे कह के गए थे कि रात को आएंगे भाई जी, और तुझे तेरी बनाई हुई जेल से छुड़ा के ले जाएंगे। अरे हमें मालूम है तू अंदर ही है, खोल। अरे खोल खोल दरवाजा। देख कह देते कि अगर दरवाजा नहीं खोला ना तो तोड़ के अंदर घुसाएंगे। विश्वास हुआ इसलिए छुपके बैठी थी घर में। हाँ मैंने झूठ बोला, लेकिन वो झूठ मैंने भाई जी से बचने के लिए बोला। तुम्हें तो मेरी किसी बात पर विश्वास नहीं था ना, आप बोलो क्या करती मैं? हाँ खोलूंगा। ठीक, मत खोल, छुप जा। आज सताया तूने लेकिन अब नहीं, और तेरी तोड़। भाई जी से खिलवाड़। उमा ने आज अपनी आंखों से देख लिया कि भाई जी किस हद तक क्रूर हो सकता है, लेकिन सच जानने के बाद अब मनोहर हालात का सामना करने के लिए तैयार था। अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही उसने भाई जी से भागते रहने के बजाय उनका मुकाबला करने की ठान ली। इंस्पेक्टर साहब, ये भाई जी जो है ना वो इंसान नहीं है, इंसान के रूप में नाग है। नाग उसे जितनी कड़ी सजा आप दिलवा सके उतना अच्छा होगा हम लोगों के लिए। चिंता मत करो, हम पूरी कार्रवाई करेंगे। ठीक है। अबे ओए लौटे, सारी हदें पार कर गया तू? दो टके की लौंडिया के लिए हमारी इज्जत उछाल दी, हमें भाई जी को जेल भिजवा दिया। अब देखना मैं क्या हाल करता हूँ तेरा। पहले हमारी बीबी को धमकाया, अब हमको धमका रहे हो? ए भाई जी, तुम्हारी इन धमकियों से ना हम डरने वाले नहीं है। बहुत बोल लिया तू, बहुत बोल लिया। अरे अब तू देखना तेरी क्या गत करता हूँ मैं। हम जा तो रहे पर इतनी आसानी से वो लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अरे तो क्या हुआ, यहाँ तक की लड़ाई लड़ी है ना हमने, आगे भी लड़ेंगे। मैं अंदर से सामान लेके आती हूँ। मैं देखता हूँ।
बेटा? गए? कोई तो बोलो, बताओ मुझे, गए? मनोहर, 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 समझ जा बेटा, बेटा आपने ये सब अपनी आंखों से देखा? कौन कौन है इस कत्ल के पीछे? मेरे ससुर और भाई जी। साइन कर दीजिए। खासी हिम्मत दिखाई है आपने। लेकिन बहुत देर कर दी। अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी उमा को, लेकिन अंत में उसे इंसाफ मिला। पड़ोसियों ने भले ही मनोहर के पिता को उस पर गोली चलाते हुए नहीं देखा था, लेकिन गोली चलने के फौरन बाद उन्होंने भाई जी को उमा को घसीटते हुए घर से बाहर ले जाते हुए देखा था, और साथ ही साथ थे मनोहर के पिता बंदूक लिए हुए। पड़ोसियों के बयान के आधार पर भाई जी और मनोहर के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की जांच से इस बात की तस्दीक भी हो गई कि मनोहर की हत्या उसके पिता ने ही की थी। मनोहर के पिता को मनोहर की हत्या के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 के तहत 50,000 रुपए जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही साथ भाई जी को हत्या में सहयोग देने के लिए और एक महिला की आत्मसम्मान और इज्जत को ठेस पहुंचाने के लिए आईपीसी की धारा 34, धारा 109 और धारा 354 के तहत 10,000 रुपए जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा दी गई। अगर मनोहर ने वक्त रहते अपनी पत्नी की बात समझी होती तो आज उनका यह अंजाम न हुआ होता। आत्मसम्मान की अपनी इस लड़ाई में उमा ने अपने पति को बेशक खो दिया था, लेकिन भाई जी जैसे हैवान को पकड़वाकर उसने अपने जैसे कई उमाओं और मनोहरों का जीवन बर्बाद होने से बचा लिया। सभ्य कहलाए जाने वाले समाज के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी। उम्मीद है इस घटना से आपको नसीहत मिली होगी। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स पर।